हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। आज अपना ये पहला वीडियो है करंट अफेयर्स के लिए, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं 1 अक्टूबर से। ठीक है, मैं 1 अक्टूबर को मैं बाद में लूँगा क्योंकि मेरे पास कंप्लीट मटेरियल हो जाएगा 2-4 दिन में, जहाँ से मेरे को अरेंज करना रहेगा सारी जगह से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं उनको ले लूँगा, ताकि मैं जैसे 1 तारीख का वीडियो 1 तारीख को नहीं डालूंगा, 1 तारीख का वीडियो मैं डालूंगा जैसे 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, ताकि उस 1 तारीख के वीडियो के सारे करंट अफेयर्स मैं एक जगह ले सकूं। ठीक है, तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे इस एक जगह पे ले लिए हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा और पाइपलाइन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ये योजनाओं को उद्घाटन किया गया? वो है गुजरात। और कितने करोड़ रुपए का? 190 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में अपन को सीएम पता होना चाहिए। तो सीएम है वहाँ का विजय रूपानी, वहाँ की कैपिटल है गांधीनगर और वहाँ के गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली। अब वहाँ का नृत्य देखा जाए तो है डांडिया और टिपानी। ठीक है, गुजरात जो तटीय सीमा है समुद्र से वो सबसे लंबी है बाकी सभी राज्यों से। और जो उसके करंट अफेयर्स अगर देखें अपन, तो करंट अफेयर्स में गुजरात के बारे में, उन्होंने कुपोषण के खिलाफ अभी पोषण अभियान चलाया था जो कि गुजरात में हुआ था, और उन्होंने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यकों का दर्जा भी दिया है, यह भी गुजरात में ही हुआ है। ठीक है, और उन्होंने 39 करोड़ रुपये की सीमा दर्शन परियोजना को भी लागू किया था अभी गुजरात ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया जूनियर स्क्वाश खिताब किसने जीता? वो जीता है युवराज वादवादी ने, वो है 25वां। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण NFARA के नए प्रमुख कौन है? श्री रंगाचारी श्रीधरन। और NFARA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ सकता है अगले आने वाले एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व पर पुनरुत्थान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? किसने किया सम्मेलन का उद्घाटन? खुद नरेंद्र मोदी, जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, वहाँ पे क्या? दिल्ली में। अब दिल्ली के बारे में अपन को बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ के सीएम केजरीवाल जो सभी जानते हैं, और वहाँ के जो गवर्नर है अनिल बैजल वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन, मिशन गंगा का नेतृत्व कौन करेगा? गंगा के लिए जो मिशन है उसका नेतृत्व कौन करेगा? करेगा बिछेंद्री पाल। ठीक है, बिछेंद्री पाल करेगी नेतृत्व इसका। और जो ये है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला तथा विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, और इनको 1984 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th नंबर, सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति मिल गई है, ये कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। ठीक है, और जब केरल की बात हुई है तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के सीएम है पिनाराय विजयन और वहाँ के जो गवर्नर है पी सदाशिवम। ठीक है, और पिनाराय का अगर अभ्यारण्य देखें तो वहाँ पर है पिनाराय अभ्यारण्य, साइलेंट वैली, और वहाँ का नृत्य है लोक नृत्य ही कथकली नृत्य। ठीक है, और करंट अफेयर्स में देखा जाए तो सबसे सुशासित राज्य है गवर्नेंस के हिसाब से, तो वह है केरल ही सबसे सुशासित राज्य है। ठीक है, और जो वहाँ पे जो शयन कक्ष दिया है मेट्रो में वो भी केरल में दिया है, कोची में। ठीक है, 6th नंबर का क्वेश्चन है, म्यांमार नेता आंग सांग सू की से कनाडियन सरकार ने अपनी नागरिकता वापस ले ली है। ठीक है, आंग सान सू की जो है सम्मानित नेता है म्यांमार की। ठीक है, इनको जो कनाडा ने इनको नागरिकता दी होगी तो उन्होंने वापस ले ली है अभी। और इस कनाडा की बात हुई है तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और म्यांमार की राजधानी है नाइपीडू। ठीक है, और म्यांमार की विनमिंट। अगला क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 2 MOU अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर के आसपास किए गए हैं ये, और
उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है वहाँ की उज्बेकिस्तान सोम। कृषि मंत्रालय ने राजस्थान कृषि मंत्रालय तथा भारत सरकार कब पशुओं की 20वीं गणना करेगी? 20वीं गणना होने वाली है, वो कब से करेगी? 1 अक्टूबर 2018 से ही करेगी। ठीक है, कालाहांडी संवाद कहाँ पे हुआ है? ये ओडिशा में, और ओडिशा है तो ओडिशा राज्य की पूरी डिटेल हमें पता होना चाहिए। ओडिशा राज्य के सीएम है नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, और कैपिटल देखी जाए तो ओडिशा की सबको पता है भुवनेश्वर, जहाँ पे अभी हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है ना करंट अफेयर्स में। और वहाँ के जो बांध देखा जाए तो वहाँ पे हीराकुंड बांध, चिल्का झील, चिल्का झील जो है वो समुद्र की बनी हुई है चिल्का झील। ठीक है, ओडिशी नृत्य वहाँ का लोक नृत्य है। बिजु स्वास्थ्य योजना उड़ीसा में चलाई गई थी, इसके करंट अफेयर्स सारे। और वहाँ के नए न्यायाधीश बने हैं अभी, कौन है? कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। ठीक है, और पहला जनजातीय ट्रस्ट भी किसने जारी किया? उड़ीसा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष है एन रवि। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार कितने राज्यों के साथ पेट्रोलियम उत्पादन में समान दर तय करने के लिए सहमत हुई है? उसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें सभी राज्यों में, मतलब जो भी सहमत हुई उनमें पेट्रोल की जो दर है वो समान रहेगी? वो 4 राज्य हैं। 4 राज्यों के साथ क्या है, वो चारों राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 4-5 राज्य हैं जिनके साथ दिल्ली सहमत हुई है। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, चीन का कौन सा शहर वर्ष 2022 में एशिया पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? उस शहर का नाम है होंजो। ठीक है, जो एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ये 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट हैं। ठीक है, और जो अभी 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स है मैं कल डालूंगा, तो करंट ही मतलब जैसे अभी 6 तारीख के करंट 6 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं जैसे 10 तारीख को डालूंगा, जैसे 1 तारीख करंट अफेयर्स है वो मैं 4-5 तारीख डालूंगा। वो इसलिए डालूंगा क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है कि जहाँ से भी मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जैसे भी जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी यूट्यूब चैनल्स है, वहाँ से उन सबको कलेक्ट कर लूँगा और उनको एक जगह डाल के आपको एक कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप पढ़ के आपको हेल्पफुल हो जाए आने वाले कमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।